कळवत तालुक्यातील शेतकरी ऍडव्होकेट रामेश्वर अंबोरे यांच्या शेतातील कापूस पीक पाहण्यासाठी थेट केंद्रातील कृषी संशोधक तसेच कृषी विभागातील विभागीय विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित राहिल्याने जाफराबाद तालुक्याचे नाव हे संपूर्ण भारतामध्ये गाजणार आहे. दरम्यान महाराष्ट्रातील कापूस पीक हे एकरी सरासरी 10 ते 12 क्विंटल उत्पादन देत असते, परंतु दादा लाड यांच्या संशोधनाचा व मार्गदर्शनाचा सिद्धांत उपयोगात आणून ऍडव्होकेट अंबोरे यांनी त्यांच्या सिपोरा अंबोरा येथील 1 एकर शेतामध्ये 30 ते 40 क्विंटलपर्यंत उत्पादन घेतले असल्याने या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने महाराष्ट्रासोबतच संपूर्ण भारतवर्षातील कापूस पिकाचे सरासरी उत्पादन दुप्पट ते तिप्पट झाले तर देशाच्या उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन शेतकरीही संपन्न होण्यास मदत होईल. त्यामुळेच दादा लाड यांचे तंत्रज्ञान संपूर्ण देशामध्ये पोहोचायला हवे या उद्देशाने भारतीय किसान संघाच्या प्रयत्नाने केंद्रीय कृषी संशोधन आणि शिक्षा विभाग, कृषी मंत्रालय, भारत सरकारचे सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र यांच्या अध्यक्षतेत डॉक्टर सुरेश चौधरी, उपसंचालक NRM दिनेश कुलकर्णी, संघटन मंत्री दादा लाड प्रदेश संघटन मंत्री डॉक्टर आर के सिंग, डॉक्टर YC प्रसाद, रेखाताई चांदोडकर, डॉक्टर भाले, कुलगुरू अकोला डॉक्टर धवन, कुलगुरू परभणी व इतरांनी सिपोरा अंबोरा येथील कपाशीच्या शेतात भेट दिली असून यावेळी झालेल्या कार्यक्रमामध्ये जाफराबाद तालुक्यातील राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार बांधव तसेच शेतकरी उपस्थित होते. याने हमारी हिंदी बोले तो हूँ है ऐसा आगे सेंटेंस के आगे लगाया हो गया हिंदी, तो हिंदी भाषी को भी समझने में दिक्कत और मराठी भाषी को भी समझने को दिक्कत, ऐसी आज की हिंदी है. तो अब महापात्रा जी के साथ कपास के बारे में तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है, इसका तंत्र भी, लेकिन यहाँ किसान पहली बार बहुत सारे किसान आज आ गए हैं. तो कपास में आपने क्या होता है कि दो प्रकार की ढाली होती है, वो मराठी में उसको गल फांदी कहते हैं और फल फांदी. तो नीचे की ढाली जो है तो पूर्ण कपास को डालने वाला खाद खींच लेती है और 70% यानी 70% वो 70% पूरा खाद लेती है और वो मूल झाड़ के बराबर ऊपर चलती है और उसकी जाड़ी भी मूल झाड़ के खोड़ के बराबर जाड़ा होता है. इसके कारण क्या होता है कि फल फांदी को उतना अन्न रस जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता और इसके कारण वो फल फांदी ज़्यादा बोन डेंडू देती है तो उसकी भी कम संख्या लगती है. आदरणीय दादाजी लाल साहब, अभी उन्होंने जो बात कही, जो जो किसान इस तरह से कपास लगा रहे वो तो बोलते हैं कि भगवान ने दादा लाड़ के जरिए हमें नया तंत्र दिया है. वो बोलते हैं कि मेरा चिंतन वगैरह है और वो सरस्वती माँ के भक्त है, तो किसानों की समस्या सुनकर ही शायद भगवान ने उनके जरिए हम किसान होते के फांदी जे ते कापली आणि त्याच्यानंतर 3 बाय हाईटवर हे केल्यावर आज माझं जे कापूस आहे ते पूर्ण पक्व झालेलं आहे आणि माझं जे उत्पन्न आहे ते आज 20 ते 25 क्विंटल येणार आहे. मी नवीन होतो तरी मी म्हणतो आता पुढच्या वर्षी मी 40 क्विंटल हमखास कापूस घेणार आहे आणि हे सब हे जे हुआ आहे हे हमारे को इनका एक भगवान के रूप में हमको ये शेतकरी को मिले. इसके वजह इनका उद्देश्य रहा आज के कार्यक्रम का और हमारा सौभाग्य रहा कि ये कार्यक्रम में हम लोग भाग ले पाए. विश्वविद्यालय के 2 कुलपति रहे, हमारे भाले साहब और अशोक धावन जी, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी विभिन्न कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे और माननीय श्री दिनेश कुलकर्णी जी का ये अगुवाई में कार्यक्रम किया गया और उद्देश्य जो मैं बताया उसी दिशा में हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण किए हैं और ये जो हमारे दादाजी, जो हमारे किसान भाई अपने क्षेत्र में इस तरह की जो नया पद्धति अपनाए हैं और खुद अपने बनाए हैं कई चीज़ें उसमें और उसके बारे में विस्तारित रूप से सारे किसान भाइयों को समझाए और उसका फ़ायदा किसान का होगा, देश का होगा, यही उद्देश्य है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास पहुंचाना है. इसका उद्देश्य रहा आज के कार्यक्रम का.
और हमारा सौभाग्य रहा कि ये कार्यक्रम में हम लोग भाग ले पाए। विश्वविद्यालय के दो कुलपति रहे, हमारे वाले साहब और सुल्तान जी, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी विभिन्न कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे, और माननीय श्री दिनेश कुलकर्णी जी का ये अगुवाई में कार्यक्रम किया गया, और उद्देश्य जो मैं बताया उसी दिशा में हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण किए हैं। और ये जो हमारे दादाजी, जो हमारे किसान भाई अपने खेत में इस तरह की जो नया पद्धति अपनाए हैं और खुद अपने बनाए हैं कई चीज़ें उसमें, और उसके बारे में विस्तारित रूप से सारे किसान भाइयों को समझाए, का उद्देश्य रहा आज के कार्यक्रम का। और हमारा सौभाग्य रहा कि ये कार्यक्रम में हम लोग भाग ले पाए। विश्वविद्यालय के दो कुलपति रहे, हमारे वाले साहब और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी विभिन्न कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे, और माननीय श्री दिनेश कुलकर्णी जी का ये अगुवाई में कार्यक्रम किया गया, और उद्देश्य जो मैं बताया उसी दिशा में हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण किए हैं। और ये जो हमारे दादाजी, जो हमारे किसान भाई अपने खेत में इस तरह की जो नया पद्धति अपनाए हैं और खुद अपने बनाए हैं कई चीज़ें उसमें, और उसके बारे में